इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बॉलीवुड फिल्म कौन के अपडेट्स। कौन यानी KAUN आगे क्वेश्चन मार्क है। ये वीडियो आप लोगों में से ही किसी एक की रिक्वेस्ट पर है जिनका नाम है सौरभ दास। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन रिलीज हुई थी 26 फरवरी 1999 को। फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी और ये एक बॉलीवुड साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसको राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था, प्रोड्यूस किया था मुकेश उदेसी ने। इसके राइटर की बात करें तो राइटर है अनुराग कश्यप। आ जाते हैं कास्ट पर, तो इसमें उर्मिला मंटोटकर, मनोज बाजपेयी और सुशांत सिंह लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। इसका बजट था 2 करोड़ 25 लाख रुपीस का, 2 करोड़ 25 लाख का। अब करते हैं कलेक्शंस की बात। तो फिल्म ने अपने डे वन पर इंडिया में 25 लाख रुपए की ओपनिंग कलेक्शन की थी। फर्स्ट वीक में 1 करोड़ 44 लाख की कलेक्शन की थी और फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 3 करोड़ 95 लाख रुपीस का रहा था। इंडिया का लाइफ टाइम ग्रॉस कलेक्शन 6 करोड़ 71 लाख रुपीस का रहा था। इंडिया से बाहर यानी ओवरसीज मार्केट 12 लाख रुपए की कलेक्शन की थी और फिल्म का जो वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रॉस कलेक्शन था 6 करोड़ 83 लाख रुपीस का रहा था। अब रही बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि कौन बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज साबित हुई थी। इस फिल्म की सबसे खास बात यह है कि फिल्म की जो शूटिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ 15 दिनों के अंदर कंप्लीट हो गई थी। अगर मैं इसके गानों की बात करूं तो सॉन्ग्स के बारे में प्रॉपर डिटेल्स नहीं पता चले हैं, लेकिन गाने कंपोज किए थे संदीप चौटा ने। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।